गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज है सैटरडे, छुट्टी का दिन है। मेरी आंखों में धूप चमक रही है इसलिए मेरी आंखें बीच बीच में बंद हो रही होगी। आज की व्लॉग की स्टार्टिंग घर से बाहर निकलते हुए, घर से निकाल नहीं दिया गया है एक्चुअली, दीपक का कॉल आ गया था तो दीपक ने बोला कि आओ रोड पे आओ मिलते हैं, ऐसे ही कुछ उसको काम था। ही वॉज जस्ट पासिंग बाय इसलिए उसने मुझे बाहर ही बुलाया, वरना वो घर जरूर आता। तो आई थॉट कि उसका बैग रखा हुआ है मेरे पास, तो आई जस्ट गिव दैट बैग बैक टू हिम। छुट्टी का दिन है आज, सैटरडे है, तो आई थॉट कि चलो व्लॉग भी शूट करते हैं आज। मैंने सोचा भाग के उसको पकड़ लूंगा तो उस पर चढ़ के रोड तक जाऊंगा। एक्चुअली मेरे घर से रोड तक का ऑलमोस्ट 200-300 मीटर का तो 300 मीटर का तो है ही है। धूप बहुत ज़्यादा है ना, तो इसलिए उसको भी कवर करने में दिक्कत हो रही है। तो गाइस दिस इज अग्रवाल ढाबा, मेरे घर के सामने ही ऑलमोस्ट, मतलब ये मेरी गली है, नॉट घर, गली के सामने ही है। तो अपन यहाँ पे खड़े होकर कर रहे हैं दीपक भाई का इंतज़ार। ही सेड कि अभी उसको आने में 5 मिनट और लगेगा, तो मैंने कहा धूप में किधर खड़ा रहूँगा, यहाँ खड़ा रहता हूँ, क्योंकि बहुत तगड़ी धूप हो रही है यार। मेरे तो पसीने छूट गए, गली से बाहर तक रोड तक आते ही मेरे पसीने छूट गए भाई। रोड साइड के ढाबों में ना कभी कभी आप लोग को ऐसे मिल जाएंगे कुत्ते वगैरह सीट के नीचे सोते हुए। पहाड़ों में भी तो ऐसा अक्सर होता है, छोटे जो रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं उन पे कुत्ते घुस जाते हैं अंदर और आपके पैर के पास आके लेट जाएंगे। अच्छा यही सीन पहाड़ों के लोगों को दिखता है तो मज़ा आता है, यहाँ दिखेगा तो कहेंगे अरे 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 कितनी गंदी चीज़ है, गंदी चीज़ है। ऐसा नहीं है, कुत्ते तो कुत्ते होते हैं। A few inches later. मैं हाईवे नहीं जाऊँगा, मेरे को टैनिंग हो जाएगी। मैं हाईवे नहीं जाऊंगा, ऐसे टैनिंग हो जाएगी। तुम गाड़ी तो बंद करो, लगाओ तो गाड़ी, 2 मिनट बैठते फिर देखते हैं, अगर मूड होता है चलते हैं। क्या करोगे हाईवे जा कर के? तो दीपक निकला था अपने बाइक की सर्विस कराने, तो उसने मोबाइल वगैरह खरीदा, लेकिन आज सैटरडे की वजह से चीज़ें बंद है तो आज नहीं हो पाएगा। कोई नहीं, बाइक की सर्विस तो मुझे भी करानी है यार, किसी दिन कराएंगे। और मैं भी सोच रहा हूँ अब की बार फुली सिंथेटिक डलवाऊँ वाली, क्या कहते हो? बेस्ट तो रहता है क्योंकि मुझे थोड़ी सी ना आवाज़ सी लग रही है अपनी बाइक में। अच्छा हमारी बाइक में भी टाइमिंग चेंज होती है क्या? मुझे उसकी प्रॉब्लम लग रही है। ये इसकी क्या चेंजिंग साइकिल में भी फ़र्क है? 6,000 किलोमीटर अप्रॉक्स चल जाता है आराम से, मतलब कोई दिक्कत नहीं आती। देखते हैं, मेरा बहुत मन है आपकी बात फुली सिंथेटिक। चलोगे? नहीं घर नहीं चलोगे? चल लो, अरे शर्माओ मत, घर चल लो। तो दीपक चला गया, उसने अपना बैग भी नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उसके बैग का एक स्ट्रैप मेरे पास अभी घर पे रह गया था, तो उसने कहा पूरी चीज़ एक बार में देना, आधी आधी चीज़ मत दो। आगे का प्लान आज का ये है कि मेरे को एक दो सामान लेने जाना है मार्केट में, भी अभी थोड़ी देर में निकलेंगे, धूप बहुत ज़्यादा है। बाइक का भी एक छोटा सा पार्ट लेना है, मतलब मेरी पैशन का एक छोटा सा पार्ट ख़राब हो गया है। फ्यूल की एक टी होती है वो ख़राब हो गई है। आई थिंक मैं या तो बाइक से जाऊंगा या तो साइकिल से जाऊंगा। मेरा मन तो कर रहा है साइकिल से जाने का, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा हो रखी है इसलिए उसको देख के लग रहा है साइकिल से जाना ठीक नहीं होगा। जो भी है देखते हैं, बट अभी फिलहाल तो घर पे जाते हैं। ऊपर नाश्ता बन गया होगा तो चलते हैं ऊपर, नाश्ता करते हैं। तो मैडम आइए बनाते हैं ब्रेकफास्ट। इसको खोलो, अपने प्यारे से टोस्टर को निकालो और चलो कुछ बनाते हैं इसमें। सैंडविचेस आर रेडी टू गो इनटू दिस टोस्टर। आज इसका इनॉग्रेशन होगा, राइट? ओपनिंग सेरेमनी, इनॉग्रेशन सेरेमनी। चेंज करना है या क्या? ऐसी सैंडविच खाओगी? तुम्हारी मर्जी है। ये तो वॉफल वाली सैंडविच है, नॉर्मल ग्रिल्ड 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 सैंडविच। आई वॉन्ट ग्रिल्ड सैंडविच, ग्रिल्ड सैंडविच, ग्रिल्ड सैंडविच। इसको हटा डाला और इसको लगा डाला, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। तुझे इससे लग गई थी ना, तो तू ध्यान से किया कर यार। ये चीज लगी थी। हाँ मैं समझ गया, मैं समझ गया। तू क्या पिएगी? मैं तो प्रोटीन शेक पी रहा हूँ। तू केसर वाला दूध दू? पी ले केसर वाला दूध, चेहरे पे निखार आ जाएगा। ऑलरेडी है, ऑलरेडी है, और निखार आ जाएगा। अपना देखो, अपना अपना देखिए, अपना निखार ला। मेरा है निखार, जो कल्लू बना हुआ है मुंह। कल्लू नहीं बना हुआ है, कल्लू मामा। आई एम नॉट कल्लू मामा, आई एम नॉट कल्लू मामा, आई एम नॉट कल्लू मामा। कमेंट करवा लो, अपने चाहने वालों से बता देंगे कल्लू कौन है। मैं नहीं हूँ कल्लू, मैं तुम्हें भी नहीं कह रहा हूँ कल्लू, लेकिन मैं तो बोल रही हूँ ना, तो मैं कल्लू, मैं नहीं हूँ कल्लू। फालतू की बात, कुछ भी मतलब एवे ही नहीं है, एवे ही है। भैया कमेंट करके बता दो कि कल्लू मैं हूँ कि नहीं हूँ, इनको तसल्ली दिलाओ थोड़ी सी।
चिली सॉस, बस 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 बस, इतनी बहुत है, इतनी बहुत है। भूख लगी है बहुत तेज, खाने में हो गई है लेट। तू भी शुरू करना, इसको रख दे इधर, अपना प्रोटीन उठा। हाँ प्रोटीन भी उठा रहा हूँ मैं, पहले तो ये खाते हैं। तूने इसको कम ग्रिल किया है, मतलब इसमें ना, हाँ ये वाली दे, ये ज्यादा ग्रिल्ड है। चलो जल्दी खाओ, चीयर्स करो मैम। चीयर्स चीयर्स। नहीं 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 सही है, इट्स गुड। दूसरों में कमियां निकाल नहीं सकता, खुद करो काम। ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है शिल्पी, बहुत अच्छा खाना बनाती है। अब तुम बनाओगे? आज सीरियसली बहुत ज्यादा काम है, मिल्की का बर्थडे है। मिल्की कौन है? मिल्की इज माई सिस्टर इन लॉ, आज उसका बर्थडे है। कोइंसिडेंटली वो अलीगढ़ आई हुई है, तो अभी जाएंगे उसको पिकअप करेंगे उसके घर से और अपन करेंगे पार्टी। पार्टी होगी, पार्टी होगी, पार्टी 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 पार्टी। Again some unboxing guys, हमने एक रिंग लाइट मंगाई थी और उसके साथ एक ट्राइपॉड मंगवाया था, तो वो सामान आ गया है। और शिल्पी हर बार की तरह गंदी तरह से खोलते हुए, हाँ गंदी तरीके से खोलते हुए, अभी अपन इसे खोल के दिखाएंगे आपको, इसका सेटअप करके दिखाएंगे कि कैसा लगता है। पहला मोड इज वाइट, दूसरा मोड इज थोड़ा येलोइश टोन जो होता है, सीपिया टोन जिसको कहते हैं, और तीसरा है मून लाइट वाइट। लाइट की इंटेंसिटी को कम और ज्यादा कर सकते हैं, बस यही है, तीन मोड्स हैं। और इट्स अ वेरी बेसिक रिंग लाइट, 10 इंचेस की रिंग लाइट है। बड़े दिनों से ये पेंडिंग था, अभी मैं एक बार इसमें शूट करके दिखाता हूँ कि कैसा आउटपुट आता है। ओके तो अभी तो फिलहाल ट्यूबलाइट ऑन है, रिंग लाइट मैंने अभी ऑन करी है, शिल्पी अभी ट्यूबलाइट को ऑफ करेगी तो पता चलेगा कि क्या रिस्पॉन्स है इसका। शिल्पी यस, तो अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ ये रिंग लाइट ऑन है, अभी तो वाइट लाइट है। अभी मैं मोड चेंज करता हूँ, तो दिस इज द सीपिया टोन लाइट, दिस इज द मून लाइट वाइट लाइट, अगेन प्योर वाइट लाइट सीपिया। तो आई गेस अच्छा आउटपुट आ रहा होगा, स्क्रीन में आप लोग को दिख रहा होगा। बहुत ज़्यादा अगर प्रोफेशनल नहीं भी आ रहा है तो अपने को चलेगा अभी फिलहाल बिगिनिंग के लिए, क्योंकि भाई जितना दाम उतना ही अच्छा आउटपुट, जितने पैसे लगाओगे उतना अच्छा आउटपुट मिलेगा। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ थी, अभी मैंने कहा चलो इससे स्टार्ट करते हैं, बट आई गेस आउटपुट अच्छा खासा आ रहा होगा। तो दिस इज़ द रिंग लाइट एंड ट्राइपॉड, मैंने ये मंगाया स्पेशली शिल्पी के फूड चैनल के लिए, ताकि उसको शूट करने में एक थोड़ा प्रोफेशनल टच आए। ओके शिल्पी, सो दिस वन इज़ फॉर यू। ओके गाइस लेट्स लीव, बहुत ज़्यादा लेट हो गई है मुझे, कितने बज रहे हैं, 1:30 बज रहे हैं, ऑलरेडी लेट हो चुका है काफ़ी। बाय। ऑलराइट लेट्स लीव नाउ। यार टैनिंग होने वाली है बहुत बुरी, फुल वो पहन के आनी चाहिए थी यार, कुछ अभी भी टाइम है, बदल लूं क्या? कल छोड़ अब नहीं जाऊंगा, बदलने नहीं जाऊंगा, वैसे ही लेट हो गया। थोड़ा भगा भगा के जाएंगे, स्पीड अप करेंगे चीजों को, क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं। एक्चुअली मैं अब घर के नीचे आ गया, मैंने शिल्पी को फोन कर दिया कि मेरा वो विंडशीटर और ग्लव्स दे दे, क्योंकि बहुत ज्यादा धूप है। मैं 100 मीटर आगे गया था गली के बाहर, तभी मेरे को पता लग गया था कि भाई इतनी धूप में अपन से तो नहीं हो पाएगा। क्या करने लगी वो, कितना टाइम लग रहा है उसे। इधर से देना, थोड़ा इधर फेंकना, फेंको पहले ग्लव्स, फेंको मोड़ के फेंकना, मोड़ के फेंकना। थैंक यू। या तो चलो आ गया है, अब इसको पहन के जल्दी से निकलते हैं। कुटू का आटा होगा, धूप बत्ती होगी, कोई धूप बत्ती, धूप बत्ती, ये बढ़िया है, ये ले लो जेड ब्लैक वाली, बढ़िया इन तीनों में सबसे बढ़िया ये है। पेट्रोल टी मिलेगी क्या? गाड़ी कौन सी आपकी, चाबी वाली बिना चाबी वाली? बिना चाबी वाली। GoPro कौन सी कंपनी का? GoPro सोनी या एरिक्सन? GoPro कंपनी का नाम है। जी नहीं आते GoPro के साथ घूमने? जी नहीं जी नहीं जी नहीं, GoPro कंपनी का नाम है, कंपनी का नाम है। हाँ प्रोडक्ट है हीरो 8। गरीब आदमी है, मैं कहा कोई बात नहीं। अरे
सारा सामान तो एक्चुअली ले लिया है। उसके बाद मिल्की को पिकअप किया और घर पे गए। घर पे जाते ही मैडम ने बोला कि भाई उनको लिमका पीने का मन कर रहा है, तो अपन फिर से बाहर निकले भाई लिमका लेने के लिए। और लिटरली मेरी बात मानो, 8 दुकानें, मैं सच बोल रहा हूँ, 8 दुकानों पे घूमने और पता करने के बाद मुझे लिमका मिली है। तो मैंने 2 बोतल इसलिए ले ली क्योंकि मुझे लगता है लिमका का स्टॉक कम है मार्केट में और हमारी मैडम का अक्सर मन कर जाता है लिमका पीने का, तो भाई लेके रख ली है कि टेंशन ना हो। बस अब घर जाएंगे, मिल्की भी है, बर्थडे पार्टी होगा। पार्टी क्या होगा, जैसे लंच वंच होगा एंजॉय करेंगे थोड़ा सा, फिर उसके बाद शाम को मम्मी पापा के घर यहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे मिल्की का बर्थडे केक सबके साथ। क्या तुम अकेले अकेले यहाँ पे पौधों में मिट्टी डाल रही हो? हाँ। तो हमारे पौधों में खाद ज्यादा थी, मिट्टी कम थी, तो मिट्टी का इंतजाम कर दिया है, तो मिट्टी डाल रही है शिल्पी। हाउ आर यू फीलिंग शिल्पी? इधर देखो, स्माइल कर रही है, यू फीलिंग गुड? राइट राइट राइट। मैं कुछ हेल्प करूँ? खाद लेके आऊँ? पानी भी चाहिए होगा राइट? पानी तो मिल जाएगा। Two hours later. जी जल्दी तैयार हो जाओ, चलना है मम्मी के घर, चलना है। देख मम्मी के घर चलना है तो कैसे सच संवर के तैयार हो रही है, देख 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 चेहरे पे, देख स्माइल, देख स्माइल, देख आए है, है, क्या स्माइल है तेरी। कहीं भी जाना होता है ना वहाँ पे मैं ऐसे करती हूँ। अजी चलो, मिल्की आई हुई है तो उसके साथ फोटो वोटो तो खिंचा लेते हैं, फोटो शूट, को ऑफिशियली हैप्पी बर्थडे विश कर दें कैमरे पे ऑफिशियली। कैसे करती हो तुम ऑफिशियली? ऑफिशियली फोटोशूट टाइम, हैप्पी बर्थडे मिल्की। थैंक यू। ऑफिशियली तुम्हें हैप्पी बर्थडे विश किया जा रहा है कैमरे पे। हाँ वीडियो ऑन है। चलो भैया लाइट वाइट चलाओ, फोटोशूट करना है। कोई बैकग्राउंड सेलेक्ट करो, वो बैकग्राउंड सही है आई बिलीव, ये वाटर पेपर मतलब वॉलपेपर ये है। ठीक है मैडम, हो गया। चलो चलो चलो, फोटो क्लिक कराओ, फोटो क्लिक कराओ। तो है सर, क्विक अपडेट, मिल्की का बर्थडे केक आ गया है। शिल्पी और मिल्की अपने घर चले गए हैं। मैं अब इस केक को लेकर के उनके घर जाता हूँ, केक कटिंग सेरेमनी करते हैं। वहाँ मम्मी पापा सब लोग होंगे तो सबके बीच में केक कटिंग सेरेमनी करते हैं। काटो, चलो चलो चलो, केक काटो केक काटो केक काटो। मैं तो वीडियो बना रहा हूँ भैया, हमारे पास कैंडल नहीं है लेकिन हम लोग ऐसे ही केक कट कर रहे हैं विदाउट कैंडल। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Milky, happy birthday to you, yeah. मम्मी पापा मम्मी पापा मम्मी पापा मम्मी पापा मम्मी पापा मम्मी पापा मम्मी, अरे जाओ मम्मी पापा मम्मी पापा, चलो जाओ। तुमने खाया कि नहीं? थैंक यू। तुम खा लो बाकी, केक थोड़ा सा बिगड़ गया था, स्विगी वाले ने बदतमीजी करी। ओके गाइस, तो आज का व्लॉग आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना यहाँ तक देखा है तो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मैडम के साथ किचन में थोड़ी सी अब हेल्प कराने जा रही हूँ क्योंकि सुबह से मैं एडिटिंग में बिजी था। मैडम बेचारी सुबह से आज बोर हो रही थी, छुट्टी का दिन था, कल जन्माष्टमी का दिन है, त्यौहार का दिन है, मैडम फास्ट रखेंगी कल आप। यस, मैडम का पहला फास्ट रहेगा ये। अच्छा, मेरा हमेशा होता है, मतलब शादी के बाद का पहला फास्ट है ना। हाँ जी हाँ जी, प्रॉबेबली हम लोग जन्माष्टमी का भी ब्लॉग शूट करेंगे, नहीं शूट करेंगे तो छोटा सा कुछ हम क्लिप जरूर बनाएंगे है ना। मंदिर का अपना हमने छोटा सा मंदिर सेटअप किया है घर में, हम अपने मंदिर को भी थोड़ा बहुत सजाएंगे और आप लोग को छोटा सा एक क्लिप बना के देंगे, लेकिन देंगे जरूर, दिखाएंगे जरूर, क्यों शिल्पी? हाँ, तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू, स्टे सेफ, लिव टुडे एंड लव टुमारो, टेक केयर गाइस, बाय।